से शुरू होगी। ये तो तुमने बढ़िया किया, मेरे को याद दिला दिया। अब तो रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है, ठीक है, लेकिन आप देख लेना, रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर रिकॉर्डिंग पे डाला नहीं, स्टार्टिंग में मैंने भी जल्दबाजी में कर दिया। जितना रिकॉर्ड होगा उतना देखेंगे, बाकी का बात थोड़ा बहुत बाद में पढ़ाएंगे। एक न्यूट्रिशन का आपका भी वीडियो पड़ा हुआ, उसको भी मेरे को अभी करना है, उसका वापिस करना है, ठीक है। तो उस वीडियो जो न्यूट्रिशन में रह गया उसको मेरे को टॉपिक भेजना, कौन कौन से टॉपिक करवाए थे, किसी को याद हो तो बताना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका वर्षण कोष है, बस इससे पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिए गए हैं। अब अगला जो है अपन लेके चलते हैं, प्राथमिक जननांग, जनन अंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। तो दूसरा अपनी संरचना कौन सी है, वर्षण। वर्षण में पहला पॉइंट यही आता है कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो सभी को पता है वर्षण की संख्या कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। वर्षण की संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक दायां वर्षण एक बायां वर्षण होता है, ठीक है, आप बोल सकते हो उसको। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब वर्षण की अपन थोड़ी डायमेंशन की बात कर लेते हैं, तो लंबाई कितनी होती है वर्षण की, सांड की बताना, इंसान की नहीं। वर्षण की लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर, खूब बड़ा होता है, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, और मोटाई थिकनेस वो भी लगभग कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये कहानी इंसान की नहीं है, ये सांड की है, ठीक है। अब आप ये मत पूछ लेना कि बकरे का भी बताओ, मेंढे का भी बताओ, तीतर का भी बताओ, मुर्गे का भी बताओ, अपने को इसी एक का याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 12, 5, 5 सेंटीमीटर आपको याद रह जाएगा, और इसकी संख्या कितनी है, दो होती है, ठीक है। और कहां पर स्थित होता है, वर्षण कोष के अंदर स्थित होता है। अब देखिए, अब अपन आते हैं वर्षण के जो है, सबसे पहले वर्षण की जो कवरिंग देखते हैं, सबसे बाहर से अंदर की तरफ कितनी कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग के आधार पर वर्षण को अपन आगे की तरफ डिवाइड करते हैं, अंदर की तरफ कैसी संरचना होती है। तो वर्षण की कवरिंग आवरण, तो वर्षण जो है उस कितने भागों के अंदर, इसके कितने आवरण होते हैं, 3 आवरण होते हैं, ठीक है। एक होता है बाहरी, बाहरी आवरण, एक होता है मध्य आवरण, मध्य भाग या मध्य आवरण बोल सकते हो आप, और लास्ट वाला जो है तीसरा आपका आंतरिक आवरण या आंतरिक भाग। तो पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया है। सबसे बाहर वाला कौन सा होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, आपको दिख तो रहा है ना, ट्यूनिका वेजिनेलिस दिख रहा है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। मध्य वाला कौन सा होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे अंदर वाली जो आवरण जो होता है वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि वर्षण जो है वो 3 परतों से या 3 आवरण से घिरा होता है। सबसे बाहर वाला आवरण जो है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस कहलाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। मध्य वाला जो परत है या मध्य वाली जो आवरण है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और जबकि सबसे आंतरिक की आंतरिक जो परत होती है उसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ये तीनों नाम याद हो गए क्या, ये तीनों नाम याद हो गए क्या, कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके डॉक्टर अशोक, जितेंद्र, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत दिक्कत नहीं है, ओके ठीक। अब आगे देखो, ये तीनों आवरण आपको समझ में आ गए, तो इसके अंदर जो मध्य वाला जो आवरण है, मध्य वाला आवरण क्या करता है, देखो मैं आपको भी थोड़ा सा डायग्राम की भी सहायता लेता हूं, ठीक है। मान लो कि ये वर्षण है, ये इसका बाह्य आवरण है और ये सबसे अंदर का आवरण है, ठीक है। ये बाह्य आवरण कौन सा हो गया, ट्यूनिका वेजिनेलिस, और ये आपका आंतरिक हो गया जिसको बोलते हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा।
लेकिन ये जो मध्य वाला आवरण जो अभी मैंने लिखा भी नहीं, ये मध्य वाला जो परत है ये वर्षण के अंदर की तरफ अंतर्वलित हो जाती है। देखो ऐसे ये मध्य वाली परत है, ऐसे अंतर्वलित हो जाती है, ठीक है, ऐसे इधर से भी आके अंतर्वलित हो गई, फिर आगे आगे ऐसे अंतर्वलित हो गई, ऐसे अंतर्वलित होती जाती है मध्य वाली परत, ठीक है। अंतर्वलित हो गई तो आप देखो वर्षण को क्या किया, इसने बहुत सारे कोष्ठों में डिवाइड कर दिया, किसके अंदर डिवाइड कर दिया, कोष्ठों के अंदर। तो देखो ये वाली परत कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या हो गई, अंतर्वलित हो गई, और अंतर्वलित होकर देखो वर्षण को कोष्ठों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ऐसे वर्षणों के अंदर 250 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऐसे 250 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये चैम्बर किसने, ये चैम्बर के अंदर डिवाइड किसने किया वर्षण को, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं यह परत अंतर्वलित होकर वर्षण को 250 छोटे छोटे कोष्ठों में विभक्त कर देती हैं। बहुत इजी सी चीज है, आपको पता है ये अंदर की तरफ अंतर्वलित हो गई तो ये छोटे छोटे 250 कोष्ठों के अंदर अंतर्वलित कर दिया। यहां तक चीज समझ में आई तो मेरे को बताओ, फिर अपन आगे की कहानी आगे की तरफ चलते हैं। यहां तक नो दिक्कत डॉक्टर अशोक जाटोलिया, अगर किसी को भी दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन, अब इसको मिटा देते हैं, अगला पॉइंट अपन पकड़ते हैं निर्मा पुण्य, ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो अब ये कोष्ठ बन गए, तो अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा मान लो ये वर्षण है, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं और इसके ऐसे मैंने कोष्ठ बना दिए, ठीक है, ऐसे मैंने कोष्ठ बना दिए। अरे पराग फूल बंदे रिपीट। चलो मैं ये बता रहा था कि जो आपको बताया था कि वर्षण की जो मध्य परत है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वर्षण के अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर उसको छोटे छोटे कोष्ठों में डिवाइड कर देती हैं। जैसे 1, 2, 3 ऐसे टोटल कोष्ठ कितने बढ़ेंगे, 250 कोष्ठों के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। अगर आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, तुम क्या मैं मिटा दिया है, नहीं आया तो मैं फिर आपको कल बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके कितने कोष्ठ हो गए, 250 कोष्ठ। अब मैं एक कोष्ठ की कहानी देखता हूं, एक कोष्ठ यहां से लेकर इसकी कहानी मैं देखता हूं, एक वर्षण का एक कोष्ठ है, वर्षण का एक कोष्ठ है, ठीक है। इस कोष्ठ को मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो मेरे को अंदर है ना आपको ऐसे 2 से 3 तक ऐसे कुंडलित नलिकाएं मिली, 2 से 3 तक आपको ऐसी क्या मिली, कुंडलित नलिकाएं मिली प्रत्येक कोष्ठ के अंदर। आपको क्या मिली, प्रत्येक एक कोष्ठ के अंदर आपको 2 से 3 कुंडलित, 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं प्रत्येक कोष्ठ में पाई जाती है, प्रत्येक कोष्ठ में पाई जाती है, ठीक है। और इन कुंडलित नलिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक कोष्ठ के अंदर 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं प्रत्येक कोष्ठ में पाई जाती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, आ गई कहा नहीं आ गई, कि प्रत्येक कोष्ठ के अंदर 2 से 3, या तो 2 हो सकती है किसी कोष्ठ के अंदर और किसी कोष्ठ के अंदर 3 होती हैं, तो ऐसी आपकी सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि इस पूरे वर्षण के अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होगी, पूरे वर्षण में सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी होंगी। तो आपको पता है पूरे वर्षण के अंदर 250 कोष्ठ हैं
और प्रत्येक कोस्ट के अंदर दो से तीन होती है, तो दो के हिसाब से लोगे तो 500 हो जाएंगी और तीन के हिसाब से लोगे तो 750 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो जाएंगी। तो प्रत्येक वर्षण के अंदर आपको ऐसे 500 से 750 सेमिनिफेरियस ट्यूबल्स पाई जाती है। बहुत इजी सी बात है, पहले ट्यूनिका एल्बुजिनी अंतर्वलित हुआ जिसने वर्षण को 250 कोस्ट के अंदर डिवाइड किया, और फिर प्रत्येक कोस्ट के अंदर दो से तीन तक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। अगर दो का हिसाब लेके चलें तो पूरे वर्षण के अंदर 500 सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, और तीन लेके चलें तो 750 तक सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे की तरफ अपन सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। देखो सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स जो है स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स जो है वो स्तनधारियों के वर्षण में ही पाया जाता है, तो स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि आपसे कोई पूछ ले कि वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो आपको पता है शुक्र जनन की प्रक्रिया इन्हीं सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स में होता है, शुक्राणु का निर्माण जो है इन्हीं सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स के अंदर होता है, और ये सबसे छोटी संरचना होती है वर्षण की जिसे पूरा वर्षण मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स का पाया जाना स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। मतलब ये आपको स्तनधारियों के अंदर ही देखने को मिलती है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया वर्षण में कहां पर होगी, तो आपको आंसर करना है सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स। तो आपको याद रखना है शुक्र जनन की प्रक्रिया सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स में होती हैं। अतः है सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स को वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए तो मेरे को बताओ, नहीं समझ में आए तो मैं आपको फिर आपको दोबारा बताऊंगा। आ गया, नो दिक्कत, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक। चलो आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब मैंने सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स तक पहुंच गया। अब एक सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स की मैं अनुप्रस्थ काट लेता हूं। अनुप्रस्थ काट समझते हो, जैसे ये ट्यूबुल्स है, इसको मैंने ऐसे काट लिया, ऐसे काट के मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर मैंने देखा तो मेरे को ऐसे कुछ तो ऐसी बड़ी बड़ी कोशिकाएं मिली, और इनके बीच बीच में मेरे को स्पर्मेटोगोनिया मिली, ठीक है, इस प्रकार की संरचना मिली। इन बड़ी बड़ी कोशिकाओं को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। ये अनुप्रस्थ काट किसका है, पहले तो अनुप्रस्थ काट लिखो किसका है, सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स का अनुप्रस्थ काट है जिसको माइक्रोस्कोप से मैं देख रहा हूं। ये जो छोटी छोटी मैंने बना रखी हैं, ये आपकी है स्पर्मेटोगोनिया, जिनसे किसका निर्माण होना होता है, शुक्राणु का, तो अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर देखेंगे। और इनके बीच में ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं,
इन कोशिकाओं को अपन सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। थोड़ी छोटी बना देता हूं उसको, बहुत ज्यादा ही बड़ी बना दी, बस डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इन सर्टोली कोशिकाओं का जो कार्य है, इसके अंदर शुक्राणु इस प्रकार से दसे रहते हैं। जैसे शुक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है, शुक्राणु का सिर होता है, गर्दन होती है, ऐसे पूंछ की तरफ होता है। तो इसका सिर जो है इन सर्टोली कोशिकाओं के अंदर दसा रहता है और बाकी का हिस्सा बाहर की ओर होता है। तो सर्टोली कोशिकाओं का कार्य क्या है, जो इसका सिर डूबा हुआ है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य जो है वो सर्टोली कोशिकाओं का है। किसका है, सर्टोली कोशिकाओं को। इसलिए इसे नर्स सेल भी कहते हैं, जो पोषण प्रदान करती है उसको हमेशा अपन क्या बोलते हैं, नर्स सेल, पोषण देने वाली कोशिकाएं। तो चूंकि ये एक सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स की अनुप्रस्थ काट है, जिसकी अगर अपन देखें तो अधिकतर उसमें स्पर्मेटोगोनिया मिलती हैं, उसके बीच बीच में कुछ बड़ी बड़े आकार की कोशिकाएं मिलती हैं, जिनको सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और सर्टोली कोशिकाओं के अंदर शुक्राणु का सिर्फ सिर दशावा रहता है और वो सर्टोली कोशिकाएं जो है उन शुक्राणु को जो है पोषण प्रदान करती हैं। और पोषण प्रदान करने की वजह से ही सर्टोली कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं। सुबह मदर सेल नहीं बोल सकते, मदर सेल इसलिए नहीं बोल सकते, मदर सेल पोषण तो दे वो अलग बात है, लेकिन वो जनने वाली भी होती है, लेकिन सर्टोली कोशिकाएं जो है वो जनन नहीं करती यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में याद रखना है। तो मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखवा देता हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स का ही पॉइंट है, तो सेमिनिफेरियस ट्यूबुल्स, एक बच्चे ने अशोक जाटोलिया ने लिखा भी है, जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये जो मैंने अभी बनाया था ना गोल सा चक्कर, वो जर्मिनल एपिथीलियम ही है, जर्मिनल एपिथीलियम से ही स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, ठीक है। मदर सेल बोलते हैं सर, क्वेश्चन देखा मैंने, नहीं बोल सकते ना मदर सेल। मदर सेल किसको बोलते हैं, जो जनन दे। मातृ कोशिका किसको बोलते हैं, जो जनन दे, जनन करे, जन्म दे। सर्टोली कोशिकाएं जन्म नहीं देती, इनकी शुक्राणु की मदर सेल तो जर्मिनल एपिथीलियम है, जो ऊपरी ऊपर किसने बताया, अशोक जाटोलिया ने। तो अशोक जाटोलिया ने बताया, योगिता ने बताया, जनन उपकला है, वो जनन का काम करती है, ठीक है। ये जनन का काम नहीं करती, ये पोषण का प्रदान करती है, और पोषण प्रदान करने वाले को नर्स, नर्स का मतलब पोषण जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अनुप्रस्थ काट में, अनुप्रस्थ काट में, काट में कुछ बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये उठाना है कि सर्टोली कोशिका में, कोशिका में स्प्रम का सिर दशा रहता है, सिर दशा रहता है, इसलिए सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, कोशिका स्प्रम को, स्प्रम को पोषण प्रदान करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं, पोषण प्रदान करने के कारण, करने के कारण सर्टोली कोशिका को, सर्टोली कोशिका को, कोशिका को नर्स, NURS, नर्स सेल या पोषक कोशिका भी कहते हैं, नर्स सेल या पोषक कोशिका भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों के समझ में आ गया तो मेरे को बताएं, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर्टोली सेल को खाते कहते हैं, हाँ ठीक, आ गया, आ गया, आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिटा देता हूं, अब लोगों को समझ में आ गया तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे का पॉइंट क्या है,
लास्ट पॉइंट है, आपको बाकी का कल पढ़ेंगे, इतना परेशान भी नहीं करेंगे, आपसे ज्यादा परेशान तो मैं हो रहा हूँ पसीने में, ठीक है। लास्ट पॉइंट है जो आपको समझना है। अब देखिए, आपने सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स देखी हैं, आप जैसे आपकी ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है और ये एक आपकी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में ये आपको रिक्त स्थान मिलता है, क्या मिलता है, रिक्त स्थान मिलता है, ठीक है। ऐसे रिक्त स्थान को अपन अंतराली, अंतराली स्थान भी बोलते हैं, अंतराली अवकाश भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश, ठीक है। ऐसे रिक्त स्थान होते हैं, ये आपकी एक नंबर की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, ये दो नंबर की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, और दोनों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में आपको खाली जगह मिल रही है, और उस खाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, रक्त स्थान बोलते हैं या अंतराली अवकाश बोलते हैं। तो यहां पर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहां पर भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं को लेडिंग कोशिका, लेडिंग कोशिका, क्योंकि अंतराली स्थान में है इसलिए इसको अपना अंतराली कोशिका, या इंग्लिश में अंतराली को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल सेल, सेल कहते हैं, क्या करते कहते हैं इनको, दो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको लेडिंग कोशिका या उसको अंतराली कोशिका, क्योंकि अंतराली अवकाश में है, दो के बीच में जगह होती है उसको अंतराली अवकाश बोलते हैं, अंतराली अवकाश, और इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हैं, कहते हैं। और ये कोशिका जो है वो नर में एंड्रोजन्स, नर का एंड्रोजन क्या है, टेस्टोस्टेरोन, उसका स्त्रवण करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, ये कोशिका कौन सी, लेडिंग कोशिका, ये कोशिका लेडिंग कोशिका, ये कोशिका नर एंड्रोजन, नर एंड्रोजन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है, स्त्रवण करती है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करती है। तो आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण कौन करती है, तो आप लेडिंग कोशिका भी कर सकते हो और अंतराली कोशिका भी कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई भी दिक्कत है मेरे को बता सकते हो आप, आ गया सबको, आ गया, नो दिक्कत, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि वैसे टेस्टोस्टेरोन का अपन अलग से कार्य पढ़ेंगे, वैसे टेस्टोस्टेरोन नर के अंदर किस लिए जिम्मेदार है, नर के अंदर द्वितक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का मतलब क्या होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का मोटा होना, मादा को देखकर इधर उधर, ठीक है, लाइन देना, ये सारे काम जो है इस हार्मोन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है ना, मादा को देखकर इधर आप वो करना, भौचंका होना, वो टेम्परेचर बताना भूल में स्क्रोटम को, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ सर, वो टेम्परेचर बताना भूल में स्क्रोटम वो रिकॉर्ड, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बुल के अंदर। तो ये जो हार्मोन है ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। तो ये नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, और मादा के अंदर यही काम जो द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, मादा के अंदर, हाँ डाल देंगे, जल्दी डाल देंगे, इस मादा के अंदर वो जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, डॉक्टर अशोक जाटोलिया, एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन नर के अंदर काम करता है, वैका वह काम मादा के अंदर कौन सा हार्मोन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है, ठीक है, एस्ट्रोन में ई आती है, एस्ट्रोजन
आप स्पेलिंग थोड़ी देख लेना। अब बात यह है कि पीडीएफ जल्दी डाल दूंगा तो आप आलसी हो जाओगे, तो मेरा हमेशा यही रहा है कि आपको कोई भी जो है चीज दी ना जाए, कोई चीज ना दी जाए, पीडीएफ डालूंगा तो लेकिन खत्म होने के बाद में, क्यों, पीडीएफ डालने के बाद में आप आलसी हो जाते हो, आप ऑनलाइन नहीं आओगे, ठीक है, मेरे को तो क्या दिक्कत है, मैं तो आप भी डाल दूं, लेकिन आप खुद आलसी हो जाओगे, नेटवर्क बहुत ज्यादा बफरिंग करता है, इसलिए वीडियो सेव चाहिए सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बहुत ज्यादा बफरिंग करता है, ठीक है दीपक, करेंगे वो सेव हो जाएगा, आज जितना होगा उतना होगा, बाकी का अगले से अपन जो है फुल सेव रहेगा। पराग मेरे को ऐसा लगता है मैं डाल दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप फिर मेरे को लगता है कि आलसी हो जाओगे, और नोट्स नहीं मिलेंगे तो आप जरूर क्लास लोगे, ठीक है, फिर भी अदरवाइज देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, और कोई दिक्कत, नया सब्जेक्ट समझ में आ रहा, हाँ हाँ सर, आलसी तो हो जाएंगे, हाँ, और कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सब, तो इसको समझते समझते सर माली लेता हूँ, ठीक है मैं डाल दूंगा, ठीक है नीतीश, सब ठीक है, तो आप डेली आप लाइव क्लासेस लें और रेगुलर क्लास, अपनी पढ़ाई रेगुलर रखनी है जहां तक अपने को मंजिल ना मिल जाए, ठीक है, अपनी मंजिल है गवर्नमेंट जॉब, तब तक आप रेगुलर क्लास लें, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, और रिलैक्स करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पढ़ते जाओ, मस्त रहो, जो अभी पढ़ेगा वही जीतेगा, आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद, गुड नाइट।